2020 का जनवरी सेशन हम सभी हिप हॉप फैंस के लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 2020 में हमें ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट के द्वारा कुछ ना कुछ सुनने को मिला, चाहे वो इक्का हो, रफ्तार हो, एमीवे हो, डिवाइन हो, लिल गोलू हो और या फिर काम भारी। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2020 में क्या क्या आया और कौन सा हिप हॉप सॉन्ग मेरे अकॉर्डिंग जनवरी में टॉप पर रहा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमीवे की, क्योंकि एमीवे ने जनवरी में सिर्फ एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम था भरोसा, जिसका फ्लो हमेशा की तरह मुझे बहुत पसंद आया। हालांकि इस सॉन्ग में मुझे एमीवे का रैप पोर्शन कुछ कम लगा, पर फिर भी इस सॉन्ग में इतना भरम था कि ये सॉन्ग यूट्यूब की ट्रेंडिंग लिस्ट में पहुंच गया था। इक्का का सॉन्ग निंद्रा इस महीने मार्केट में आया और ये सॉन्ग काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिसेंटली इसने 10 मिलियन व्यूज भी क्रॉस कर लिए, पर टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये लगा था कि ये सॉन्ग उनकी एल्बम आई में से एक हिप हॉप सॉन्ग होगा, पर ये सॉन्ग एक कमर्शियल सॉन्ग निकला। हालांकि ये सॉन्ग काफी अच्छा था, पर मैं इक्का के हार्डकोर हिप हॉप सॉन्ग्स की वेट कर रहा हूँ। इस महीने डिवाइन का भी एक सॉन्ग कमर्शियल सॉन्ग रहा जिसका नाम था चल बॉम्बे, पर ये सॉन्ग मुझे काफी पसंद आया क्योंकि ये सॉन्ग एक कूल वाइब देता है। इसी के साथ साथ मैंने नेजी का सॉन्ग मगरेब भी सुना जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, पर मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि नेजी अपने सॉन्ग में बहुत ज्यादा मुंबई स्लैंग का यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके सॉन्ग्स के काफी पंचीज मेरे सर के ऊपर से चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके गानों में मेरा इंटरेस्ट बन ही नहीं पाता। यही रीजन है कि नेजी का मैं इतना हार्डकोर फैन नहीं हूँ। इसी महीने डीनो जेम्स का एक सॉन्ग रिपब्लिक भी रिलीज हुआ जो कि मुझे काफी अच्छा लगा, पर उसका वर्स मुझे काफी कम लगा। इसी के साथ साथ आशीष भाटिया, जो कि हमें स्प्लिट्सविला और रोडीज में भी नजर आए थे, उन्होंने भी एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम था हार के भी जीत गया मैं। हालांकि मुझे आशीष भाटिया से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर ये सॉन्ग मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा रहा, तो उस हिसाब से आशीष भाटिया द रैपर मुझे काफी अच्छा लगने लग गया है। हालांकि उनका सिग्नेचर वर्ड इश्यबॉय भाटिया मुझे अभी भी चूतिया ही साउंड करता है। इस महीने रफ्तार असली मर्द नाम की एक वीडियो में भी नजर आए जिसमें उन्होंने मास्टरबेशन पर खुलकर बात की और मास्टरबेशन ना करने के फायदे भी गिनाए, और पर्सनली मुझे ये बात काफी अच्छी लगी कि रफ्तार ने इस टॉपिक पर खुलकर बात की और उसके बारे में कुछ अच्छा बताया। और हाँ, रफ्तार का एक सॉन्ग रजनीकांत की मूवी थलाइवा इंचार्ज में भी देखने को मिला। हालांकि ये सॉन्ग लिरिकल सॉन्ग था और पहली बार सुनने पर मुझे ठीक ठाक सा लगा, पर जैसे ही रफ्तार ने मीटर चेंज किया इट वॉज सो सरप्राइजिंग कि भाई ने बीट को खत्म कर दिया। इस महीने डिवाइन ने कुछ रैपर्स के साथ मिलकर एक हार्डकोर सॉन्ग भी निकाला था जिसका नाम था साइफर 2, जिसमें के सभी रैपर्स ने बीट के साथ लिरिकली काफी जस्टिस किया, पर जैसे ही डिवाइन का पोर्शन आता है गाने की वाइब बहुत ऊपर चली जाती है। और इस सॉन्ग में मुझे एक आर्टिस्ट हनी सिंह जैसा लगा और दूसरा आर्टिस्ट अनुराग कश्यप जैसा लगा। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं काम भारी और न्यूका की, जिन्होंने इस महीने अयोबन सॉन्ग निकाला जो कि इतना कैची था कि इस सॉन्ग को मैं हर रोज सुन रहा हूँ, जिसमें न्यूका और काम भारी ने सोसाइटी की थिंकिंग और प्रॉब्लम्स पर खुलकर बात की। और अब बात करते हैं लिल गोलू की, जिन्होंने इस महीने फुल पावर सॉन्ग निकाला। हालांकि गाने का नाम सुन के मुझे इस गाने से कुछ खास उम्मीद नहीं थी, पर जैसे ही मैंने ये सॉन्ग सुना मैंने खुद को गलत पाया, क्योंकि इस गाने की बीट, लिरिक्स, मैसेज और फ्लो सब कुछ खतरनाक था। क्योंकि लिल गोलू ने इस गाने में बॉलीवुड रीमेक्स पर इतना कुछ कहा तो शायद अब रीमेक्स कुछ कम बनेंगे। और मेरे अकॉर्डिंग इस महीने का बेस्ट सॉन्ग अयोबर्न और फुल पावर के बीच में ही होना चाहिए। हालांकि बाकी आर्टिस्ट के सॉन्ग्स भी खतरनाक थे, पर इन सॉन्ग्स की बीट और लिरिक्स मुझे बहुत अमेजिंग लगे। और मेरे अकॉर्डिंग काम भारी और न्यूका का सॉन्ग अयोबर्न इस महीने का बेस्ट सॉन्ग रहा, क्योंकि इस सॉन्ग की हुक लाइन इतनी कैची है ये बार बार आपके दिमाग को हिट करती है। हालांकि पर्सनली मैं काम भारी का ज्यादा बड़ा फैन हूँ, पर इस सॉन्ग में न्यूका ने काम भारी को भी पीछे छोड़ दिया क्योंकि लड़की का वॉइस टेक्सचर बहुत कमाल का था। तो चलिए बढ़ते हैं इस महीने की ड्रामे की तरफ। इस महीने कृष्णा ने एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम था अनटाइटल्ड, जिसमें मुझे पर्सनली कुछ समझ ही नहीं आया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इस सॉन्ग में उन्होंने थोड़ा खुद का स्ट्रगल बताया, डीजे वाले बाबू और बस जैसे वर्ड्स यूज करके बादशाह की तरफ पॉइंट आउट किया
हिप हॉप में आ रहा था भाग भगा डाला जैसी लाइन यूज करके एमीवे की तरफ पॉइंट आउट किया और मुहफाड़ के लिए सैया ना करे डैब जैसी लाइन यूज करी, जिससे मुहफाड़ पंप हो गए और उन्होंने एक सॉन्ग निकाला जिसका नाम था बिच अमा गोड, जिसमें मुहफाड़ का बहुत तेज रैप देखने को मिला। उसके बाद कृष्णा ने भी एक और सॉन्ग निकाला जिसका नाम था महारानी और दोनों के बीच बीफ स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि ये बीफ मुझे काफी हद तक नकली और प्लान लग रही है और ये दोनों रैपर्स एक दूसरे को ही डिजर्व करते हैं, क्योंकि पहले कृष्णा बिना बात के एमीवे को बार बार डिस कर रहे थे, अनटाइटल्ड सॉन्ग में बादशाह और मुहफाड़ को पिंच किया और काफी हद तक मुहफाड़ भी ऐसे ही हैं, क्योंकि एमीवे और रफ्तार की बीफ फाइट में ये बंदा बिना बात के कूद गया था जिसमें इसे किसी ने कुछ भी नहीं कहा था और ये रैपर बिना बात के बातें बनाई जा रहा था, जिसके बाद से मैंने इसका अभी तक कोई भी सॉन्ग नहीं सुना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर मैंने कुछ भी मिस करा है उसके लिए दिल से सॉरी। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर।